Shimaru Vintage से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बड़ा ठंडा नीचे बीता है,
काम असर नहीं जाएगा। अच्छा, तुम लोग कब पहन के चले जाओ? हम प्यार से उसको बहुत समझा दिया, जब तक तुम उसको डांटे गए वो नहीं मानेगा। ओ मां जी, हम क्या करेगा, वो बीमार का बची, उसको गुस्सा करने को हमारा दिल नहीं होते। अच्छा तुम फिक्र मत कर जाओ, उसको फिर समझाएगा। मीना बची, ओ मीना बची, वो किधर है? इधर आके छुप जाओ, दादी अम्मा बोला तुम्हारा भी खबर लेगा। दादी अम्मा हमारा खबर लेगी, जब तुम्हारा बच्चा बीमार था हम रुपए से तुम्हारा मदद किया। मामा, जब तुम्हारा बच्चा बीमार था हम रुपए से तुम्हारा मदद किया। तो मामा, 15 रोज का वायदा किया, दिल नहीं हो गया। गुलजार खान बरादर, तुम सच बात बोलती, तुम हमारा बहुत मदद किए, हम तुम्हारा बहुत एहसान मंद है। फकत 15 रोज का मदद और दे जाओ। मदद 15 रोज में किधर से रुपया लाएगा? जी हम कुछ भी करेगा, तुम्हारा कर्जा जरूर वापस करेगा, यकीन कर जाओ बरादर। अच्छा, हम 15 रोज बाद आएगा, हमारा रुपया का जरूर इंतजाम कर, इंशाल्लाह जरूर कर जाएगा, जरूर कर जाए। रहमान, तुम इस आदमी से रुपया किस वास्ते कर्ज लिया? वो क्या बताएगा अम्मा जान, वो जमीन को गिरवी किया था, 220 रुपया मिला, वकीम साहब 300 रुपया मांगता था, उसी वास्ते गुलजार खान से कर्ज लिए। पर इस रुपए का वापसी कैसे होगा, घर में तो कुछ भी नहीं है। मां जी, हम सोचते कि इस मकान को भी गिरवी रख जाए। मकान तुम्हारे मरहूम बाबा का निशानी है, तुम इसको गिरवी रख जाएगा? वो अल्लाह ताला जानते है मां जी, वो मजबूरी है, सख्त मजबूरी है। देखो वो सर्दी का मौसम शुरू होते है, कारोबार धंधा सब बंद होते, आमदनी का कोई सूरत नहीं, वो इसी वास्ते हम सोचते वो थोड़ा रकम लेकर हिंदुस्तान जाएगा, उधर धंधा तिजारत बहुत है, हम तुमको रकम दीजिएगा, तुम मकान भी चुराओ, जमीन भी चुराओ। हम तो समझता ही रहमाना बच्चिया, लेकिन हमें ना तुम्हारा बगैर कैसा रह जाएगा? वो इस वास्ते हम भी बहुत परेशान होते हैं, लेकिन कोई चारा नहीं है, अगर हिंदुस्तान नहीं जाएगा तो कर्ज से निजात कैसे हो जाएगा? देखो माँ जी, तुम अमीना बच्चा का ख्याल कर जाओ, हम 2 रोज के अंदर वापस आ जाएगा। बाबा, हिंदुस्तान में बहुत बर्फ गिरता है ना, अम्मा हमारा गर्म कुर्ता लेके जाएगा। लेकिन तुम किधर जाते? हम भी तुम्हारे साथ हिंदुस्तान जाएगा। मेरा बुलबुल, हिंदुस्तान बहुत दूर है, हम तुमको हिंदुस्तान नहीं ले जा सकते। हम भी तुमको इतना दूर नहीं जाने देगा। बच्ची इधर आओ, हमारा बात सुन जाओ। हम तुम्हारा बात नहीं सुनेगा। बात सुन जाओ। Yeah.
रहमान बच्चे, अमीना इस तरह से नहीं मान जाएगा। जिस दिन जाना हो उस दिन सुबह का अजान से पिछले चलेगा, उस वक्त अमीना बच्चे सूता हो। जाएगा बिरादर, इधर एक हफ्ता हो गया तुमको आकर, कारोबार क्यों नहीं शुरू करता? ओ सुन, जो कारोबार करो और नहीं जाएगा, हमारा दिल इधर नहीं लग जाते, हम वतन को वापस जाएंगे। अच्छा जाओ, तुमको कौन रोकते है? लेकिन बिरादर, वतन को जाने के वास्ते रुपया दरकार है, तुम्हारे पास इतना रुपया किधर है?
देखो बिरादर, आज तिजारत का वक्त है, जाओ कारोबार शुरू करो। हाँ चल। धार हो गया बाबा। आज कौन सा दिन है? सोमवार। कल कौन सा होगा? मंगल। बाबा तुम रोज क्या लिखते रहते हो? कहानी लिखते हो बेटा? किसकी कहानी? शेर और रानी की? नहीं, राजा और रानी की। बाबा तुम यही कहानी क्यों नहीं लिखते हो? लिखूंगा बेटा, एक दिन जरूर लिखूंगा। क्या लिखोगे? लिखूंगा कि मिन्नी बेटी बड़ी अच्छी है, सारा दिन बकबक करती रहती है, बाबा को बिल्कुल काम नहीं करने देती। देर के लिए भी चुप नहीं रह सकती। तुम्हारा चुप रहना भी तो मुझसे नहीं देखा जाता बेटी। तुम यूं करो, थोड़ी सी देर के लिए वहां जाके खेलो। अच्छा बात है। खाना तैयार है, आज फिर से देरी कर दी तो बाप बेटी किसी को खाना नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, चलो मिनी, वो तो फिर कभी खाना नहीं मिलेगा। बाबा तुम सिर्फ माँ से डरते हो ना? इने पिस्ते जा पुरानी अच्छा चमाली। अस्सलाम वालेकुम बाबू। सलाम। एक छोटा बच्चा हमको आवाज दिया था, वो किधर गया? वो तो भाग गई, तुमसे डरती है। वो किस वास्ते डरती?
छोटी बच्ची है समझती है, तो उसे झोले में डालकर ले जाओ। एकदम झूठ बात है बाबू से, एकदम झूठ बात है। ये तो मुझे भी मालूम है। वो हम उसकी एक नजर देख सकती ठहरो मैं देखता। भोला आया माँ जी। मिनी मिनी बेटा इंतजार कर रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। नहीं 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 डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो साथ हूँ तुम्हारे। शाबाश शाबाश बाबा, ये डरना तो ले लो। डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा। बड़ी मेहरबानी होगी, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि नौकरी मिलती है तुम्हारी पाई पाई अदा कर दूंगा।
वो 30 रुपया वो है 30 रुपया तो उसके किराए में चला जाएगा खान साहब। अच्छा अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? मनोज मुखर्जी। अच्छा वो हम इस महीने के पीछे आ जाएगा, हमारा रकम तुम वापस कर दो। खान साहब तुमने रुपया देकर हमारी जिंदगी बचा ली। वो झूठा बात मत बोलो, वो जिंदगी बचाने वाला बुरा बोल इज्जत है। जो वो पैसा दे जाओ उसको, जो जो खजाना मिलती, किसी को दूसरा रकम का खजाना मिलती, वो हमको अपना रकम का खजाना मिलती। वही कुछ वो दूसरा रकम खजाना क्या है बिरादर? बताएगा फिर किसी दिन बताएगा। वही कुर्बान है जो आज बाजार में जाती, फिर उधर जाती, फिर उधर जाती। काबियाले तुम्हारे घर में आके? वो इधर नहीं है, वो हमारा मुल्क में, हमारे पास एक गादा है। और तुम्हारा माफिक एक हमारा मुन्नी है। तुम्हारी मुन्नी गाना गाती है? वो बहुत अच्छा गाती। मैं भी गाती हूँ, सुनोगे? वो तुमको नहीं आता है।
हाँ। अच्छा सुनो, छोटा पानी में की रानी, बेबी मैन की छोटा पानी में की रानी, करवा तेरा भाई भतीजा चूल तेरी दुबरानी, बगला तेरा छोटा देव मछली तेरी नानी, बेबी मैन की छोटा पानी में की रानी, बेबी मैन की छोटा पानी में की रानी। नहीं से बच्चा, नहीं से, वही 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 वही, तुम तो बुलबुल से भी ज्यादा अच्छा गाते हो। ओहो बेटो बेटो, काबली वाले तुम्हारा गद्दा भी गाते हैं। जरा देखिए नहीं जोर से कौन है। अंधाधार हो गया। क्या हुआ? काबुली वाला, इतना बड़ा काबुली वाला, नीचे नीनी के पास में रहा है। मेरे तो डर के मारे मुझे जान निकल जा रही है। बाहर कोई काबुली वाला आया है और मुन्नी उसके पास जाकर बैठ गई है। तो क्या, जल्दी जाओ ना, अभी तक उसको उठा के नहीं ले गया हो। अच्छा तो जाके देखो ना, उठा के ले गया क्या वही है। अरे मिनी कहाँ है, दिखाई नहीं देती। अरे दादा, इसकी हंसी से तो मेरा दिल धक धक करने लगा। अब मिनी को तो कोई डर ही नहीं। हमारी मिनी बेटी तुम्हारी तरह डरपोक थोड़ी है। अच्छा, अभी हम जा। क्यों? वो काम के ऊपर जाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हाफिज? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा मेरा बुलबुल, जाए। कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे, आए कहाँ से जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाऊं रे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहरा पानी में जैसे धूप छाऊं। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहरा पानी में जैसे धूप छाऊं। रात कारी दिन उजियारा, मिल गए दोनों साए, रात कारी दिन उजियारा, मिल गए दोनों साए, साजन देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाऊरे। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाऊरे। कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगे प्याले, कोई रंग बिरंगे प्याले, प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाऊं रे। गंगा
आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहराए पानी में जैसे धूप छाओरे नाम कोई बोली कोई लाखों रूप और चेहरे चेहरे खोल के देखो प्यार की आंखें सब तेरे सब मेरे रे लहराए पानी में जैसे धूप छाओरे गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहराए पानी में जैसे धूप छाओरे गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बाबा से तुम कितना अच्छा गाना गाती है तुम्हें गाना पसंद आया वो बहुत पसंद है जिसको मत बोला मैं समझ जाती इसका मतलब ये है खान जिस तरह दिन और रात में कितना फर्क होता है लेकिन शाम का वक्त इन दोनों का भेदभाव मिटा देता है इसी तरह मेरी तुम्हारी बोली में फर्क है रंग रूप में फर्क है लेकिन दिल में प्यार हो तो सब एक है कोई फर्क नहीं सुभान अल्लाह ओ बाबा साहब तुम कितना बड़ा बात बोले खुदा का कसम कितना बड़ा बात बोले खुश हो जाओ बाबा साहब तुम खुश हो जाओ वो बाबा से खुश हो जाओ माफी करवाना कर जाएगा उस अलीम क्या करती है वो लूट नीचे देगा पैसा ऊपर रहेगा लूट हमारा अम्मा का वास्ते वो चमक चमक नवा नवा पैसा हमारा अमीना बच्चा का वास्ते वो इसी माफी पूछेगा हाँ ऐसे कुछ खुश रहो खुदा तुमको खुश रखे जिला जिला पकवान गांव गांव सराय खोजा अब्दुल रहमान खान की माँ को पहुंचे वो तुम किताब पढ़ता है हाँ इतना किताब पढ़ती हूँ माशाल्लाह लोशे बच्चा लोशे तुम जानते हो इसमें क्या लिखा है वो हम कैसे जानेंगे वो हम अनपढ़ आदमी है वो तुम बताओ क्या लिखा है लिखा है कि एक दिन एक मुनि जी को
इतनी प्यास लगी कि वो सारी समुंदर का पानी पी गई। वो छोटा मुनि जीता कि बड़ा मुनि जीता? बड़ा मुनि जीता। वो बड़ा था। वो फिर क्या हुआ? फिर समुंदर खाली हो गया और मुनि जी का पेट इतना बड़ा हो गया। तुम बात ऐसे बोलते, हम कैसे नहीं हंसेगा? वो लाजवाब बात बोलती, मेरा बच्चा बाबू से खुदा का कसम फूल जाते। क्या कह रहे थे? वो इतना अच्छा कहानी सुनाए हमको, वो किताब में से पढ़ के सुनाए। अच्छा, लेकिन आज तो मैं तुम्हारे वतन की कहानी सुनना चाहता हूँ। बाबू जी, तुम्हारा वतन में ऐसा कहानी नहीं है। नहीं, तुम समझे नहीं, तुम अंदर चलो। अच्छा, आओ आओ। बैठो खान। ये तो तुम्हारे वतन के बारे में मैंने किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है, ख्यालों की आंखों से भी देखा है। कुंदन की तरह चमकते हुए सहरा, फसलों से झूमती हुई वादियां, सेबो अनाज जैसे खुशरंग बच्चे। लेकिन आज मैं तुम्हारी जबान से सुनना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की जिंदगी क्या है। वो जितने को क्या बताएगा बाबू से, वो हमारे मुल्क में थोड़ा लोग बहुत अमीर है, बहुत खुश है। उसके पास जमीन है, बंगले, बहन, वो एक के पास चार चार बीवी है। अच्छा, वो बहुत सारे लोग बहुत गरीब है, वो एक बीवी भी नहीं है। मुफलिसी, तंदरस्ती, नादारी, वो रोजगार ढूंढते हैं, रोजगार नहीं मिलते, दर बरसकेत पड़ते, बीमारी पड़ते। लेकिन ब्रिटिश सरकार तुम लोगों की मदद भी तो कर। वो क्यों मदद करेगा बाबू साहब, वो सरदार का मदद करते है, मलिक का मदद करते है, वो खान का मदद करते है, उसका रिश्तेदार का मदद करते है। तुम भी तो खान हो बाबू साहब, तुम मजाक करते है। वो हम खान है, वो सिर्फ नाम का खान है। वो गरीब आदमी का कोई मदद नहीं करते, कोई मदद नहीं करते। हम तुम्हारी मदद करेंगे बाबू जी, हमें बाबा को जल्दी से एक आना दे दो। जरूर दे दूंगा बेटा। हाँ तो खान, वहाँ बच्चों, अरे कुछ मुंह से भी तो बोल, अंदर बुलाया है। अच्छा खान, मैं अभी आया। खुदा तुमको खुश रखे। ओ मेरा मिनी सेब। मैं कहती हूँ तुम्हें हो क्या गया है, काबुली वाले को कमरे में लाके बिठाए तो हो गया। मुझे उसका रोज रोज आना बिल्कुल पसंद है, उसको मना कर दो जी। ऐसा क्या किया उसने? मालूम है, मम्मी को मेरा दे दे के बहका रहा है। ओ। मुझे तो यकीन हो गया है, एक दिन मेरे बच्चों को जरूर उठा के ले जाएगा। तुम तो खाम खान की चिंता कर रही हो। काबुली वाले कल फिर आना, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी कहानी सुनाऊंगी। खुदा हाफिज बच्चा, खुदा हाफिज। मांगते
वो बोलते है चिमारे को मारा बाबा चाहिए बाबा, चिमारा बाबा हमारे पास जल्द नहीं आ जाता है, हम उसके साथ बात नहीं कर जाते है। वतन को चला जाएगा, वो कर्जे का तो रकम मामा जान को भेज दिए, तो बाकी उसका वसूली करेगा, फिर रवाना हो जाएगा। हमारा घर में हमको मालूम है तुम क्या पूछते, तुम तुम्हारा बीवी का पूछते है ना, वो दोनों ठीक है तंदुरुस्त है, वो लेकिन वो चारो झगड़ा पसाद लड़ाई वो चमकते होगा कीमत भी थोड़ा चावना मांगते अच्छा चलो इसको रखा, लेकिन रुपए एक महीने के बाद दो। नहीं, उधार नहीं करते हो, हमको पैसे का बहुत जरूरत है। अरे पैसे का जरूरत है खान, तो उधार फौरन देना शुरू कर दो, तुम्हारा माल यूं गिर जाएगा और महीने दो महीने में तुम 1,500 रुपए इकट्ठा कर लेगा। वो देखो वो, अरे तुम सोचता क्या है खान, हम इज्जतदार आदमी है, ये मोहल्ले वाले सब हमको जानते हैं। अच्छा पापो कौन सा ये वाला, वो देखो हम एक महीने का पीछे आएगा, हमको रकम दे दे। 5 तारीख को आते तुम अपना रुपए ले जाना। एकदम रेशम का माफी की, वो तुम्हारा मुलायम मुलायम बदन पे बहुत अच्छा लगेगा और पहने का शहजादा मालूम हो जाएगा। नहीं खान, मुझे पसंद नहीं, कुछ और है। वो देखो वो उसको बड़ा बड़ा लोग पहनते हैं, तुम्हारा जैसा जवान पहनते हैं। अच्छा इसकी कीमत क्या है? इतनी मर्जानी, फकत सिर्फ 18 रुपया। नहीं खान, बहुत महंगा है। वो कदरदान, वो तुमको इसका राज बताते, तुम इसको पीनेगा तुम्हारा शादी हो जाएगा। पसंद तो है, वो तो फिर नहीं जाओ। नहीं खान, मैंने कहा आखिर मेरे पास इतने पैसे नहीं। वो तो हमारा माल का कदर किया है, तुम पैसे का फिक्र मत करो, जिस दिन तुम हमको भुलाएगा उस दिन हम आ जाएगा। चलो हमने सुना है तुम सब गिराक को माल उधार देने शुरू कर दिए। पिछले 2 दिन हम बहुत माल देख रहे थे और माल की कीमत वो 1 माह 2 माह सब वसूली हो जाएगा। अगर कोई तुम्हारे साथ में ग्राहक बेईमानी कर दिएगा। वो तुम कैसे बोलते हैं अली खाना, वो हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा, हमारा साथ कौन बेईमानी कर जाएगा। ऐसे करने की जरूरत सुनी तुम अली खान का बात नहीं सुन रहे क्या? वो हमारा हमें बस बोल रहे वो जल्दी हम वतन को नहीं आएगा, हमारे साथ एकदम बात नहीं कर जाएगा। अच्छा आप समझा समझा, खुदा ताला तुम्हारी मदद करेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। रंगीन रोशनियाँ होगी, बैंड बाजा बजेगा, फिर आएगा ना, फिर मैं तुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी और फिर राजा दूल्हा आएगा 16 घोड़ों की बग्घी में। बाप रे, 16 घोड़े, फिर तेरी शादी होगी
और राजा दूल्हा अपने हाथों से तेरी मांग को सिंदूर भरेगा। तुम्हारी भी शादी होती है माँ? दूल्हा ने तुम्हारी मांग भरी थी? तुम्हारा दूल्हा कहा है माँ? मुझे नहीं मालूम। किसको बताओगे तूने? बिल्कुल नहीं। माँ की शादी हो गई है। हाँ, राजकुमार दूल्हा के साथ। अच्छा बाबा, तुम दूल्हा को देखा है? मैंने नहीं देखा ना। मैंने भी नहीं देखा। अच्छा बाबा, माँ तुम्हारी कौन लगते है? ये जरा सोचने की बात है बेटी। तुम ही करो, माँ से जाके पूछो, माँ बताएगी। अच्छा बाबा। काबुलीवाला को इस घर में मत आने देना। क्यों? अभी अभी सुन के आ रहा हूँ, रामदयाल की बच्ची बरामदे में खेल रही थी, कोई आकर उसे उठा कर ले गया। हाँ? ये क्या कह रहा है तू? हाँ माँ जी, गुप्ता जी का लड़का स्कूल से वापस आ रहा था, रास्ते से ही गुम हो गया। काबुली वाले का आना बंद कीजिए, लेकिन उसको मना करने के बजाय उसे कमरे में ला के बिठाते हैं। ये बात तो ठीक नहीं है बहू। अब मुझे को कुछ करना पड़ेगा। ये क्या है माँ? रजनिया, कितनी अच्छी बच्ची है। बाबा तुम देखते क्यों नहीं? देखो ना मेरे पास क्या है। इसमें देखने की क्या बात है बेटा, मैंने तो बहुत दूर से तुझे आते हुए सुन लिया था। बाबा कितनी अच्छी है ये पेंजनिया। पेंजनिया नहीं बेटा, चांदी की लगाम है। मिनी, माँ से कह देना मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा बाबा। बाबा मेरा गुड्डा लाना, मत भूलना कल मेरी बेटी की शादी है। अच्छा जरूर ले आऊंगा। मिनी ऊपर मत जा बेटा, छत पे बहुत धूप है। अच्छा माँ। अब ठीक है, बात बात में सड़क पे भागती थी, अब जाए तो जहाँ भी जाएगी मुझे पता चल जाएगा। अब ऐसे भी सबसे क्या भागे, बच्चे हैं, भाग दौड़ तो करेगी। सुना नहीं भोला क्या कह रहा था, महल्ले से दो बच्चे गायब हो चुके हैं। भाई मुझे तो जमाने से डर लगता है। देखा फिर बाहर जमी मिनी, फिर बाहर चले तू, अंदर आके खेल और दरवाजा बंद कर दे। अच्छा माँ। बहुत खूबसूरत है। हाँ माने दी है। अच्छा काबी वाले, तुमको मालूम कल मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? वो क्या होते है? तुमको मालूम नहीं? कल मैं पैदा हूँगी। सुभान अल्लाह, वो तुम्हारा पैदाइश का रोज है? हाँ, बान बाजा बजेगा, मेरे दोस्त लोग आएंगे। अच्छा, वो फिर तो तुमको लाल लाल बांगड़ी का जरूरत है। लाल लाल बांगड़ी? वो हम लेकर आएगा। और देखो वो अपना दोस्त लोग का वास्ती ये पलने वाले जाओ। उधर क्या होते? उधर भी किसी का जन्मदिन है? नहीं, उधर किसी शादी हो रही है। अच्छा। हाँ, काबली वाले तुम्हें मालूम मेरी भी शादी हो रही है। माशाल्लाह। हाँ, माँ कहती थी मेरा राजा दूल्हा
तोले घोड़े की बग्गी में बैठ के आएगा। बोले कुर्बान, वो तुमको बग्गी में बिठाएगा और मेरा बच्चा को ससुराल ले जाएगा। ससुराल क्या? वो ससुर का घर को हम ससुराल बोलता है। तुम भी ससुराल जाओगे? वो तुम हमको ससुराल बेचे, वो हम ससुराल नहीं जाएगा, वो ससुर को डंड से मारेगा। हम भी इसको मारूंगी। वो पकड़ो पकड़ो, वो ये डंड बहुत मजबूत ही हो, वो बिगड़े का इलाज ही, शाबाश मजबूत पकड़ो। मिनी तुम्हारा गुड्डा खेलो बेटा। खान जरा इधर तो। खान मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि तुम मिन्नी को मेवा देते हो और दाम नहीं लेते। बचे नहीं, नहीं, ये बात गलत गलत। ये वो तुम ये क्या तकलीफ करते बाबू से, काम नहीं लेगा कभी नहीं। अरे नहीं नहीं, आज तो तुम्हें लेना ही होगा। अच्छा बाबू से वो तुम मजबूर करते। खुशखबरी सुनोगी? क्या? भगवान ने चाहा तो कर्जों से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा हमें। अच्छा? हाँ, मेरी किताब की पहली छपाई पूरी बिक गई है। किताब वाले ने अगले हफ्ते रुपए देने का वादा किया। तुम घर के छोटे मोटे कर्जे चुका देना और मैं तुम्हारे कंगन और चूड़ियां छुड़ा लाऊंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आज मैं भी आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। वो क्या? जब से मैंने मिनी के पैरों में पैजामियां पहनाई हैं, उसका बाहर जाना बिल्कुल बंद हो गया है। इसमें हंसने की क्या बात है? कुछ बोलिए तो सही। इधर आओ। क्या? अरे मेरे साथ आओ तो सही। फिर से बाहर गई थी तू? बोल क्यों गई थी? बोल ये रुपया किसने दिया? कबली वाला। देखा तुमने, मेवा देते देते अब रुपया भी देने लगा। क्या? काबुली वाला मिनी को फुसलाने के लिए उसको रुपया दे गया है। क्या अभी तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि उसकी नियत खराब है? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? काबुली वाला हर रोज मिनी को मेवा दे जाता था और दाम नहीं लेता था। आज भी उसने बहुत इनकार किया, मगर मैंने जबरदस्ती उसको ये रुपया दे दिया। ये जरूर वही रुपया जो काबुली वाला इसको वापस लौटा गया, समझे? तुम पर भी उसने पूरा जादू कर दिया है। क्या हो? रोने की क्या बात? रुपया दो। किसने दिया ये? काबुली वाले ने। बस इसमें क्या सच बोलना चाहिए। रानू, मैंने चंदन पीस के रखा है, जय मिनी को तैयार कर दे। और तुम्हारे भैया कहाँ गए? तुमने मुझे समझा क्या? मैं मर्द, अपनी जान की परवाह नहीं कर। भाभी, भैया का किसी से झगड़ा तो नहीं हो रहा? हम राजपूत हैं, मुसीबतों का सीना तान के मुकाबला करते हैं, उनसे भागते नहीं। आइए राजकुमारी खाएगा। तुम्हें हंसी आ रही है? और यहाँ मैं मुसीबत में गिरफ्तार। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, ये देखो, अंधेरी रात, किले की ऊंची दीवार पर प्रताप सिंह राजकुमारी कंचन माला को लिए खड़े। वो राजकुमारी को लेकर नदी में कूदना चाहते हैं। दीजिए ना। कैसे कूदे, दोनों में से किसी को तैरना नहीं आता। बस इतनी सी बात। तुम होती तो क्या करती? मैं? अगर मैं होती तो मैं नदी में पहले एक लकड़ी बहा, उसके सहारे उन दोनों को नदी के पार ले जाती, फिर वो दोनों किसी दूसरे देश में अपने प्यार की दुनिया बसा लेती। बहुत अच्छी। अगर मैं अपने उपन्यास तुम्हारी राय से लिखूं, तो आपको बहुत बड़ा मेडल मिलता। हाँ, गोबर का। खैर ये सब तो होता रहेगा, लेकिन 4 बजे से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। कुछ मिठाई का इंतजाम भी किया है। ओ मिनी बच्ची, ओ मिनी सी। आ गई उसी। मिनी बाहर मत जाना। भोला आया माजी। हाँ माजी। बाहर जाके काबुली वाले से कह दे यहाँ ना आया करे। अच्छा माजी। तू ठहर, मैं खुद कह देता। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। सलाम खान। खान बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहता हूँ। हुकुम करो से, हमसे को खता हो गए? नहीं नहीं खान, बात यह है कि आज मिनी बेटी का जन्म। वो हम जानते हैं, खुदा उम्र दराज करे। कुछ मेहमान रिश्तेदार आने वाले हैं,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि दो चार रोज के लिए तुम ना आओ तो बुरा नहीं मानना। अच्छा बाबूजी, मैं समझ। Thank you.
तुम्हारे मोहल्ले से लाया हूँ चाची। अच्छा तब तो एक आधा हाल दे दो। चलो ना, चलो।
क्या बात है भाई साहब, मिन्नी आपके यहाँ तो नहीं आई? नहीं तो क्या हुआ, मैंने कहा गुम हो गई? तुम इधर कैसी आ जाती बच्चे? मैं तो मिटाने को दिल की बगैर थी, तुम आए नहीं। मैं तो मधुर मूर्ति रास्ता ढूंढ रही हूँ। ये मेरा जन्मदिन के बगैर तुम्हारा हिस्सा। ये बच्चे, वो तुम्हारा छोटा छोटा आग का सदकी। खुदावन तुमको हजार बरस सलामत रखेगा मेरे बच्चे। माँ के पास हो गए तुम कहता हजार बरस। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तुम अभी घर चलो, तुम्हारा अम्मा बहुत रोते है। तुमको बहुत मारे, ये लोग बहुत खराब है, मैं बालों की जिंदगी से इन सब को मारे।
उतारूंगी, ये लो तुम्हारा पगड़ी। मुझे बहुत अफसोस है, मैं इन सब लोगों की तरफ से माफी मांगता हूँ। बाती बाबू से वो बच्चा को गल ले जाओ, पानी में बहुत भीग जाते। चली गई थी। शायद वही बारिश में भीग गई होगी, इसलिए तबीयत खराब हो गई है। गला सूज गया है, मैं अभी मिक्सचर भेज देता हूँ। रालू देखो तो भोला ने दूध गर्म किया है क्या? डॉक्टर साहब मीना की तबीयत कैसी है? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, उम्मीद तो है मिक्सचर से बुखार उतर जाएगा। मैं दवाई के लिए नौकर को भिजवा देता हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम खान। वो डॉक्टर सेब की स्वास्थ्य आया था। मिनी बीमार है। वो मेरा मिनी बच्चा बीमार है? हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसको बुखार हो गया खान। भैया मिनी बुला रही है। खान आज मैं बड़ी उलझन में हूँ। वो ठीक है ठीक है। क्या बात है बेटा? बाबा मेरा सर दुखता है। अच्छा, मैं दबा देती हूँ। बाबा तुम यहाँ से मत जा। अच्छा बेटा, मैं यहीं बैठता हूँ तेरे पास। क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। शाबाश 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 शाबाश। मिनी का बुखार और तेज हो गया, उसकी बेचैनी भी बढ़ गई, अगर वो कोई दवाई दे तो ले आना। भोला भोला। हाँ बाबू जी। खैर भोला, डॉक्टर साहब से कहना कि दवाई की तीन खुराक दे चुके हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ, उन्हें थोड़ी तकलीफ तो होगी मगर एक बार आके बच्ची को देख जाए तो बड़ी मेहरबानी। अच्छा बाबू जी। अरे खान तुम सवेरे से यही हो? नहीं बाबू साहब, गया था थोड़ा काम धंधा किया, वो दिल बहुत फिक्रमंद था, वापस आ गया। बच किसे बाबू साहब? बुखार बढ़ गया है खान, बेचैनी भी बढ़ गई। काबली वाले तुम आते क्यों नहीं? मैं रोज तुम्हारा इंतजार करती हूँ। काबली वाले उन लोग ने तुमको बहुत मारा, और बाबा का डंडे से उनसे तो मारूंगी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी 7 बजे हैं, अगर 10 बजे तक बुखार ना उतरे तो मुझे बुला लीजिएगा। डरने की तो कोई बात नहीं है, आज की रात भले गुजर जाए तभी मैं कुछ कह सकता हूँ।
पड़ी है। आज रात में यही ठहरना पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी, हम लोगों को भी बहुत हौसला रहेगा। मैं इंतजाम कर देता हूँ डॉक्टर साहब। ओ परवरदिगार दुआला, अगर जान का सदका जान तो मेरा जान ले, मेरा मिनी बाबा का जान बख्शेगा। तुमको पीर बाबा का वास्ते, होश पाक का वास्ते मेरा दुआ कबूल कर जा, मेरा दुआ कबूल कर। शुक्र है अब खतरा टल गया, बस अब अच्छी देखभाल की जरूरत है। अच्छा अब मैं चलता हूं। रानी देख तो रसोई में साबुदाना होगा, बना के लिया जल्दी। हाँ सारी रात यहीं गुजार दी। मिनी बाचा कैसे बाबूसी? अब वो खतरे से बाहर। ओ खुदा बंदा, वो तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तुम मेरा दुआ कबूल की। वो मिनी बाचा को थोड़ा देखेगा बाबू से। हाँ हाँ, लेकिन खान वो कमरे के अंदर है और वो कुछ फिक्र नहीं बाबू से, हम बाहर से देखेगा। वो मेहरबानी कर बाबू से। तुम इधर से जाओ खान। मिनी बेटे उधर देखो कौन आया, देखो देखो ताबली वाले। मिनी बाजी मुझे बहुत बुखार हो गया है। वो तुम बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, वो हम अल्लाह ताला से दुआ किए, वो तुमको बहुत जल्दी शफा बख्शेगा। बच्चे खुदा के चरण का। हम परवरदिगार से दुआ किए, तुम जल्दी अच्छा हो जाएगा। आराम कर चो बच्चे, आराम कर चो। बाबा बाबा क्या चाहिए बेटा? पानी। रानू देख तुम मैंने क्यों बुला रही है, मैं दूध गर्म करके आती हूँ। Thank you.
छेड़े चमन तुझको दिल खुदबा तू ही मेरी برادر. ادھر آ جاؤ. وہ دیکھو ہمارا یہ روپیہ جمع کر جاؤ.
वो जाने के वक्त हम तुमसे ले लेगा। मुझे तुम किधर जाते? वो अभी हम फैसला किए अपना वतन को जाएगा। कुछ एकदम तुम कैसे फैसला कर लिए? ब्रादर कल से हमको अमर जान को अपना मीना बचाएगा बहुत याद सताते। अच्छा तो जिस काम का वास्ते आया तो होगी, जमीन का पैसा भी बेच दिए, मकान का पैसा भी बेच दिया, अभी कर्जे का थोड़ा रकम बाकी है उसको वसूल करेगा, फिर वतन को जाएगा ब्रादर। बहुत खुशी का बात है तेरा कोने, बहुत खुशी का बात है। अच्छा अच्छा तुम्हारा जाना 15 रुपये राम भरोसा, 20 रुपये मौलवी से, 15 रुपये राम भरोसा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वो हम हिसाब करता था, तुम हमारा सब हिसाब बर्बाद कर दिए। माफ कर दो ब्रदर। यक खान साहब, हिसाब किताब होता है? किताब नहीं करती है सर। वो तुम साधु पकी बन करके स्वास्थ्य आ जाता है। नहीं नहीं हम साधु नहीं है, हम चोची है खान। वो तुम झूठा बात मत बोलो, तुम बोला था तुम नाटक कंपनी में गाना गाता है। वो तो हमारा शौक है खान साहब, ज्योतिष से हमारा दाल रोटी चलता है, हम लोगों का तकदीर बताता है। पूछे तुम नजूमी? हाँ। वो बेचो इधर, तुम हमारा मेहमान है। बताओ मुल्क में अमर जान और अमीन बचे कैसे? हाँ मुल्क में तुम्हारी एक माँ है। ठीक है। एक बच्ची है। ठीक है। उसका नाम अमीना। वल्ला वो तुम एकदम सच बात बोलते। अच्छा बताओ वो कैसे है? खुशी? खुश है, बहुत खुश है, और तुम्हारा बीवी भी बहुत खुश है। क्या बात है, हमारा बीवी जन्नत में जगह करते? वही मतलब है खान साहब, वो जन्नत में बहुत खुश है। अच्छा वो ठीक है। अच्छा वो थोड़ा हमारा दीदी खुश है। टेरो 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 अली खान तुम पीछे आओ। थोड़ा हमारा लंबर देखो कौन है सेब लजूम सेब। अली खान वो तुम दुनिया का सामने हाथ बताएगा, खुदा का कसम तुम बदनाम हो जाएगा। जो बताऊं वतन को कब जाते? वतन को जाने का अभी कोई सामान नहीं। वो ठीक से बोलो, वो हम जल्दी वतन को जाना मांगते। दूसरा हाथ दिखाइए। ठीक बिल्कुल ठीक, शनि और मंगल एक हो रहे हैं, इसलिए आपको जल्द ही वापस अपने मुल्क को जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे तुम, बहुत अच्छे आदमी। अब देखो मंगल शनि कौन लोगे? आप उन्हें नहीं जानते खान। वो कोई फिक्र का बात नहीं है, तुम उनको मिलेगा वो हमारा सलाम दे जाओ। जरूर जरूर। लेकिन खान साहब हम जिस काम के लिए आया तुम पैसे मांगते? पैसा नहीं खान साहब, पकड़ो बादाम ले जाओ। बादाम का बात भी नहीं खान साहब, वो हमारा उस्ताद हमको बोला है तो तुम अगर गाने का रियाज नहीं करेगा तो तुम्हारा गला एकदम चौपट हो जाएगा। वो तुम फिर हमारा नींद बर्बाद करना मांगते। देखो हम तरकीब बताते, अभी थोड़ा दिन के अंदर हम वतन को चला जाएगा, उसके पीछे तुम को वो दिन रात को अभी खुशी। अच्छा जाओ अभी हम काम पर जाते, जो जो जो। आराम से बैठो बेटा। काबली वाले वो मेरा मिनी जान, वो मेरा मिनी सेब। अभी तुम कैसे? बिल्कुल अच्छे। हाँ काबली वाले एकदम अच्छे। हाँ काबली वाले। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। आओ आओ खान भाई। बाबू जी हम मुतलक फैसले कर लिए, कर्जे का थोड़ा रकम बाकी उसको वसूल करेगा तो 2-4 दिन में अपने वतन को रवाना हो जाएगा। तुम जाओ पर परसों तक वापस आ जाएगा। अच्छा अच्छा आ जाएगा। देखो तुम्हारा वास्ते चमन का अंगूर लाई और कांदार का अनार लाई, इसको खाओ और जल्दी जल्दी मोटा मोटा हो जाओ। बोला के जैसा। वो तो
तूप को गुलों को जैसा। खैर तुम एहसान पर एहसान किए जा रहे हो। प्यार मोहब्बत में एहसान नहीं होते, वो सिर्फ प्यार मोहब्बत होते। कभी वाले मेरा गुड्डा देखा, मेरी बेचारा लंगड़ा हो गया है। देखो वो तो एकदम लंगड़ी है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, इसको बड़ा डॉक्टर के पास। बड़ा डॉक्टर हो, सिविल सर्जन के पास लीजिए। अच्छा बाबू सब थोड़ा कारोबार करेगा। वो बोली से वो तुम कैसे बात बात ठीक है? ठीक है खान साहब, बहुत अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं आपको परसों से ढूंढ रहा हूँ। तो क्या बात है? मुझे नौकरी मिल गई है खान साहब। बहुत सुभानअल्लाह। और मैं आपके रुपए लौटाना चाहता हूँ। ये लीजिए 22 रुपए। अच्छा, और बाकी के रुपए मैं तनख्वाह मिलते ही लौटा दूंगा। अच्छा, और तुम्हारा नौकरी कैसे चलते है? बहुत अच्छा चलता है खान साहब, ठीक है। अरे हाँ चलिए ना, हम लोग चाय पीते हुए चले। वो तुम चाय पी लेगा? हाँ चलिए, वो खादा चलो। चलो अद्रमान, गणेश होने मजलिस देखे। हम नहीं चलेगा। क्यों? वो तुम जो हम नहीं चलेगा। तुम भी चलो ना, ऐसे क्या करते हो? जरा गोरो मकरम खाना। या कुर्बान वो आंखें थी दिल भर की या नरगिस मस्तन, देखे हुए उस बुत को अब हो गया जमाना। वो सबा कहना मेरे दिलदार को, तड़पता है तेरे दीदार को। वो सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। वो सबा कहना मेरे दीदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। वो सबा कहना मेरे दीदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। अब वो सूरत जिस पे बहार सदके, ये दिल तो क्या है यारो काबुल कंधार सदके। किस तरह भूले निगाहे यार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। जितना भुलाया उसको उतना वो याद आया। क्या करार आए तेरे
हुआ है तेरे दीदार को, ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को, ओ सबा कहना मेरे दिलदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को, ओ सबा कहना मेरे दीदार को, दिल तड़पता है तेरे दीदार को। उचाले वो हम वतन को जाते उचाल का पैसा लेने के वास्ते आए। साल तुम हो कौन? तुम क्या बोलते हमको नहीं पहचानते? बिल्कुल नहीं। वो तो हमसे चाल लिया था, वो 5 तारीख को बोला था पैसा लेने के वास्ते, वो 5 तारीख के हम आए। हमने बोला था? अरे खाल तुमको किसी ने बनाया होगा, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। बाबूजी, वो दरवाजा खोलो, हम तीख बाड़ी पे आए। एक कबरी वाला दरवाजा क्यों तोड़े दे रहे हो? अरे ये लोग तो मुसीबत होता है, शरीफ आदमियों का जीना हराम करते हैं। तुम क्या बक बक करते? वो आदमी हमसे उधार लिए, पैसा देने का वक्त मुंह चुपाता है। वो बाबूजी, वो दरवाजा खोलो। क्या है, क्यों परेशान कर रखा है? वो हम परेशान नहीं करते, तुम हमको परेशान करते, हमारा पैसा लाओ। सीधी तरह समझाया कि वो आदमी मैं नहीं हूँ, फिर भी पीछे पड़ा हुआ है। देखो झूठा बात मत बोलो, इधर आओ। हम तुम्हारा मकान के ऊपर निशान लगाया था, देखो। अरे निशान निशान सब झूठ है, जो रास्ता लगा अपना। काम नहीं जाएगा, हम पैसे लेके जाएगा। तुम हमारा हाथ छोड़ता कि नहीं? वो नहीं छोड़ेगा, पैसे लेकर फिर छोड़ेगा। अरे बताओ हो चोर बदमाश, जबान को काबू करो, हम फटाने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कर लेगा? हम तुम्हारा गर्दन तोड़ेगा। गर्दन तोड़ने का मतलब नहीं मानता, गर्दन तोड़ने की आया। इसने एक आदमी को छुरा मारा है। छुरा मारा खान ने? बाबू सिर्फ सब तकदीर का बात है, वो एक आदमी था, उससे हमको पैसा लेना होता, वो हमसे चाल उधार लिया था। वो मुकरते है बाबू सिर्फ, उल्टा गाली देते हमको, गाली देते हमारा बाप को, गाली देते वो हमको, गाली देते। शैतान का बच्चा, बेईमान का बच्चा। काबली वाले, ये लोग तुम्हें बांध के कहाँ ले जा रहे हैं? बच्ची वो आज हम अपना ससुर के घर जाते। ससुर को खूब मारना। वो हम तो मारता था, वो देखो ससुर हमको रस्से से बांध लिए, वो हम क्या करेगा? वो बच्चे हमको बोल तो नहीं जाएगा, वो हम पे भी आएगा मेरे बच्चे। खुदा ही पुआ मान बच्चे, खुदा ही पुआ मान बच्चे, खुदा ही वो मेरे बच्चे, वो मेरा नकी जीगा, वो मेरा बीवी बच्ची। खान बाबा, अब्दुर्रहमान खान का 200 रुपया हमारा पास बतूरी अमानत है, और हम सब भाई लोग मिल के ताता खुदाने की दर का 150 रुपया जमा किए, वो लेकिन अब भी
75 रुपया दरकार है, क्योंकि हमने जो वकील किया है ना वकील, मुझे वो बहुत नामवर आदमी, खाली 15 रुपया मांगता बात करने का। हो जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया मेहरबानी खान बाबा। आज हम वकील को लेकर अब्दुर्रहमान खान से मिलने जाते हैं। बाबा खुदा से दुआ करो अपना हबीब के सदके में हमारे दोस्त को रिहाई मिल जाए। आमीन आमीन सुन आमीन। अच्छा सलाम अलैकुम। अब्दुर्रहमान खान अस्सलाम अलैकुम। ये बैलिस्टर साहब है, तुम्हारा तरफ से मुकदमा लड़ेगा। ये बोलते है अगर तुम कोर्ट में वही बोलेगा मुझे जो कुछ तुमको ये बोलेगा है? तो तुम कुर्बान निशम बरी हो जाएगा। मैं तो हाँ तो बात यह है कि अभी तक जितनी भी गवाहियां हुई हैं वो सब तुम्हारे खिलाफ है, और अगर अब मैं उन गवाहों को झूठा साबित कर सकूं तो तुम जरूर रिहा हो जाओ है ना। लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, और वो है ये कि जो कुछ मैं तुम्हें बताऊं तुम वही कोर्ट में कहना, समझे? हाँ तो जिस दिन तुमने ये शाल राम भरोसे को बेचा था उस दिन और उसी वक्त मनोज मुखर्जी एक स्कूल मास्टर तुमसे 2 कदम के फासले पर खड़ा था। ओहो शक क्यों करते हो? एक रोज तुमने मनोज मुखर्जी की मदद की थी, आज वो तुम्हारा साथ देना चाह रहा है। हाँ तो तुमने जो कुछ भी कहा था और राम भरोसा जो कुछ भी तुमसे कहा था वो उसने सब सुना था। उसने ये भी सुना था कि तुम ये शाल उसे 1 महीने के उधार पर दे रहे हो, और उसने ये भी देखा था कि तुम राम भरोसे के मकान पर कोई निशान लगा रहे हो, समझे? और उसके ठीक 1 महीने के बाद जब तुम अपनी रकम वसूल करने के लिए वहां गए तो उसने तुम्हें पहचाने से साफ इनकार कर दिया, और जब तुमने दोबारा रकम मांगी तो उसने तुम्हें गालियां दी, और जब तुम इस बात पर खफा हुए तो उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारा, समझे? महज अपने बचाव के लिए तुम्हें उससे उलझना पड़ा। यानी शहादतों से साबित हो चुका है कि झगड़ा राम भरोसे ने शुरू किया, मुल्जिम ने नहीं। पहला वार राम भरोसे ने किया, मुल्जिम ने नहीं। अपने बचाव के लिए मुल्जिम ने राम भरोसे को धक्का दिया, राम भरोसे मुल्जिम पर टूट पड़ा। किसी पकड़ पकड़ में राम भरोसे ने अपना चाकू निकाल लिया और इस बात की पूरी कोशिश की कि मुल्जिम को जान से मार डाले, लेकिन मुल्जिम ने राम भरोसे की कलाई पकड़ ली। इसी झींगा मुश्ती में राम भरोसे का पांव फिसला और वो जमीन पर आ गिरा। गिरने के जोर और मुल्जिम के भार से राम भरोसे के हाथ का चाकू मेम्बराने चोरी याद रहे मुल्जिम के हाथ का नहीं, राम भरोसे के हाथ का चाकू राम भरोसे के सीने में। ये सब झूठी दरोगे, मुझे क्या है कि वो जिस वक्त चाहे अपनी सफाई के लिए अदालत से दरख्वास्त कर सकता है। कहो तुम क्या कहना चाहते हो? मजिस्ट्रेट साहब, वकील साहब जो कुछ बोलते वो तमाम झूठी गलत बातें हैं। वो आदमी हमारा कर्ज का रुपया काया, वो हमारा साथ धोखा भी किया। हम अपना कर्ज का तकाजा किए, वो बोलते चे तुम इधर से चले जाओ। हम बोलते हम नहीं जाएगा, हम अपना कर्ज लेकर जाएगा। वो हमको बुरा काली, हम उसको बोले देखो वो हम पटाने वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर जाएगा। वो हमको फिर गाली दिए, हमारा बाबा को गाली दिए, हमको मारने का वास्ते काबू कर जाता है, फिर हम चाकू निकाले हम भी उसको मार रहे हो, तो ये सच बात है। अब्दुर्रहमान खान वल्द फजलुर्रहमान खान, जूरी के सब मेंबरों की यह राय है कि तुम पर खून का इल्जाम साबित हो, लेकिन आज मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि दुनिया में अब भी ऐसे इंसान हैं जो मौत के डर के बावजूद भी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ते। लिहाजा इस बिना पर सजाए मौत न देते हुए तुम्हें 10 साल कैद बामशक्कत की सजा देता हूं।
माता का वतन खो जाए। वो जालिम मुकद्दर तुमन को किधर ले जाते हो? हिम्मत से बांध लो खाना। खैर करेगा, खैर करेगा खाना। वो खुद है, वो खैर की एक महीना हो गया वो यादाश्त के बाद बादलों के पार जा।
छत पर चीं चीं का खुल जा रे ताले घट से पता चीं चीं छत पर चीं चीं का खुल जा रे ताले घट से पता
105 नंबर। आज तो तुम आजाद अफान, बिल्कुल आजाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आजाद ही हैं। हम अपना अमीन के पास जा सकते हैं, अमीनी बच्चे को देख सकते हैं। ये लो तुम्हारी चीज़, और ये वो कागज है जो तुम्हारी जैकेट से मिला था। मेरा लाठी जिगर से अपने कपड़े ले लो। अल्लाह तुमको बहुत बहुत बड़ा अफसर बनाएगा। लाल लाल बांगड़ी मांगते हैं। कितना बड़ा? वो छोटा छोटा। ओ ये दो। दो आने। अच्छा है ना? बहुत अच्छे। लेकिन रमा, इस शादी के लिए हम लोगों ने जितने रुपयों का इंतजाम किया था उससे कहीं ज्यादा ही खर्च होंगे। भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा पहले ये बताइए कि बत्तियां और बैंडबाजे का इंतजाम किया है ना? जानता हूँ तुम्हारा कई सालों का अरमान, उसके लिए मैंने रुपए अलग ही रख छोड़े। बाबू जी, राम बाबू बिजली वाले आपसे मिलने आए। आ गया? हाँ। अच्छा, ये सामान है। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। छत पर जो आपने सादी बत्तियां लगाई हैं वो तो ठीक है, लेकिन राम बाबू मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों दरख्तों पे आप रंग बिरंगी बत्तियां लगा और थोड़ी वहाँ गेट पे और एक ये कतार पूरी कर दें। पैसों की जरूरत हो वो अंदर से ले लें। जी हाँ बहुत अच्छा। बाबू सी, बाबू सी कौन? अस्सलाम अलैक खान, कैसे हो? खुदा का फजल है बाबू सी, खुदा का शुक्र है। मेरा मिनी बाचा कैसे? अच्छा है खान, उसको हम देख सकता बाबू जी? आज तो उसे देखना नामुमकिन है खान, आज वो बाहर नहीं आ सकता। बाबू जी वो हम बाचा का वास्ती थोड़ा पल मेवा लाया था, वो उसको दे दो बाबू जी। खान भोला अंदर कह दे, मिनी को जरा बाहर भेज दे। ठहरना खान। माँ जी, माँ जी, मिनी बिटिया को बाहर बाबूजी बुला रहे हैं। सीताराम, क्या बक रहा है भोला? हाँ माँ जी, बाबूजी ने कहा है मिनी बिटिया को बाहर भेज दीजिए। इतना आवाज धरम, किसी चीज का ख्याल नहीं। सीताराम सीताराम, भैया को कोई जरूरी काम होगा जो उन्होंने बुलवाया है। हर जी क्या है अगर मिनी दरवाजे तक चले जाए,
घर के बाहर थोड़ा ही जाना है। सीताराम सीताराम। देखो बाबू से, ये मेरा अमीन बच का छोटा छोटा हाथ का चाप है। वो हम इस कागज को जान से भी ज्यादा प्यार करती है। वो दर रोज इसको सीने से लगा कर रखते है। बाबू सी, एक दफा मुलुक में बच्चा बहुत बीमार हो गया। हमारे पास जो कुछ था उसका इलाज में खर्च कर दिया। उसका बाद कोई धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, इसी वास्ते हिंदुस्तान में आ गया था। मगर वो अपना मासूम बच्चा के वास्ते दर रोज तड़पता था। उसका सूरत हमारे आंखों के सामने घूमता था। वो फिर एक रोज तुम्हारा घर के सामने अम्मी ने बच्चा को देखे। वो हमको ऐसे मालूम होगी खुदावंद हमको अपने बच्चे से मिला दिए। हम भूल गए हम गैर मुल्क में। इसी वास्ते दर रोज हम तुम्हारा घर में आता था। अम्मी ने बच्चा को देखने के वास्ते भी आता था, अपना बच्चा को भी देखने के वास्ते आता था। लमिनी आ गए। वो मिनी बच्ची, वो मिनी बच्ची, वो मिनी जन, वो तुम किधर है? वो किधर है? वो देखो लाल लाल बांगड़ी रेमन खान लाए तुम्हारा वास्ते। खान, वहाँ नीचे कहाँ देख रहे हो? मिनी तो तुम्हारे सामने खड़ी है। ये रही मिनी। तो इतना बड़ा हो गए। कितने साल गुजर गए खान? आज मिनी की शादी है। अच्छा, मेरे बच्चे तुम ससुर के घर जाते? वो ससुर तुम्हारे घर तो नहीं? बच्चे, वो बच्चे तुम हमको नहीं पहचानते? हमको नहीं पहचानते? अरे तुम्हारा काबली वाला, बचपन में तुम्हें मेवा दिया करता था। वो तुम हमको नहीं पहचानते भी नहीं बच्चे? सिर्फ मिनी बच्चे हमको नहीं पहचानते। तुम भी बड़ा हो गया हो, तुम इस शैतान को नहीं पहचानेगा। वो तुम हमको नहीं पहचानेगा तो हम कैसे जिंदा रह सकते? खान भाई, नहीं 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 खान भाई, ऐसा नहीं करते बच्चों के साथ। ऐसा मत सोचो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम यूं करो खान भाई, फौरन अपनी अमीना बेटी के पास चले जाओ। वो कैसे जा सकते बाबू से? इतना रकम हमारे पास नहीं है। एक रोजगार देखेगा, कुछ पैसा जमा करेगा, खाना पानी होगा तो किसी दिन जाए। चलो खान, खान भाई तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। अल्लाह अल्लाह। बिजली वाले पैसों के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्हें कह दो बत्तियां नहीं लगेंगी, और बैंड वाले को भी जाके मना कराओ। ये आप क्या कह रहे हैं? बैंड बाजा और रोशनियां नहीं होंगी? मुझे अफसोस है रमा, हमारा बहुत सालों का ये अरमान पूरा ना हो सकेगा। क्यों? आप ही तो कह रहे थे कि उसके लिए ये रुपए अलग धरा छोड़े हैं। रमा, वो रुपए मैं काबली वाले को देना चाहता। आज वो 10 साल जेल में काट कर आया है, बिल्कुल मुफलिस, खोया सा, बेसहारा। रमा, अपने मिन्नी जैसी उसकी भी एक बेटी है, जिसे वो कई सालों पहले अपने वतन में छोड़ के आया था। आज ना जाने वो किस हाल में होगी। मैं चाहता हूं
इन रुपयों की मदद से काबुलीवाला अपने वतन अपनी बेटी के पास चला जाए। लेकिन हमारी भी तो एक ही बेटी है, उसकी शादी में बैंड बाजा रोशनी ना हो सके। चार बत्ती कम जलने से इस घर की रोशनी कम नहीं होगी रमा। एक मजबूर बाप की आंखों का नूर मिल जाए तो इस मौके की रोशनी और बढ़ जाएगी। शायद मीनू को इस बात का दुख नहीं। माँ मुझे कोई दुख नहीं होगा। बाबा तुम ये रुपए काबली वाले को दे दो, अगर इस रुपए से वो अपनी बेटी से जाकर मिल जाए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। जीती रहो बाबा, और ये मेरी तरफ से उसकी बेटी के लिए दे देना। मुझसे जो कुछ भी बन सका हाजिर। तुम आज अमीना बेटी के पास लौट। ओ नहीं नहीं बाबू साहब, ये कैसे हो सकते हैं? रख लो खान। ओ नहीं, ये रुपया हम नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते। खान भाई, एक बाप को छोटी सी भेंट दे रहा है, इनकार ना करो। अच्छा बाबू साहब, वो तुम खुशी से देते हैं, हम कबूल करते हैं, कबूल करते हैं। अभी तुम इस रुपये को मेरे तरफ से, रिमान खान का तरफ से, मेरे बच्चा का शादी में खर्च करो। नहीं, नहीं 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 खान भाई, ये रुपया तो मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम फौरन अपनी बेटी के पास, अमीना बेटी के पास लौट जाओ। इसी में सबकी खुशी है खान भाई, तुम्हारी मीनू की खुशी। और ये मीनू की तरफ से अमीना बेटी के लिए। मिनी सेब को ये साल जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खान भाई, खान भाई, एक बार तुम्ही ने तो कहा था प्यार मोहब्बत में एहसान नहीं होता, सिर्फ प्यार मोहब्बत होता है। ओ मेरा तकदीर, आज मेरा मिनी बच्चा का शादी हो गई, उसको देने के वास्ते तेरे पास कुछ नहीं, दुआ दे सकता है। ओ खुदा बंदा, अगर हम अपने जिंदगी में कुछ भी नेकी किए तो उसका अजर मेरा मिनी बच्चा को देना। ओ मेरा बच्चा, नजरे पर दूर ओ दुश्मन जीरे पावले कुर्बान कर। खुदाई 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 खुदाई। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू मी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।